खुशामदीद नाज़रीन। जहाँ पर एक तरफ तालाबों और नालों पर लैंड ग्रैबिंग की वजह से आज शहर हैदराबाद और उसके अतराफ इलाकों का हाल बेहाल हो चुका है, वहीं दूसरी ओर जलपली म्यूनसिपालिटी में लैंड ग्रैबिंग की सरगर्मियां उरूज पर है। तफसीलात के मुताबिक वार्ड नंबर 22 सर्वे नंबर 62 पर कुछ लैंड ग्रैबर्स की जानिब से MRPS व दलित तबके को अलॉट करदा गवर्नमेंट लैंड को कब्जा किया जा रहा है। इत्तला मिलने पर वार्ड नंबर 16 के काउंसलर जनाब बुडमला यादगिरी ने लैंड ग्रैबर्स की जानिब से कब्जा की जा रही गवर्नमेंट लैंड का दौरा किया और जलपली म्यूनसिपालिटी में एक कम्प्लेन दर्ज करवाई। उन्होंने जलपली म्यूनसिपालिटी चेयरमैन जनाब अब्दुल्ला सादी से गुजारिश की कि लैंड ग्रैबर्स पर कार्रवाई की जाए। मीडिया से बात करते हुए जनाब अब्दुल्ला सादी ने आवाम को यह तयखुन दिया कि जलपली म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 22 के सर्वे नंबर 62 पर चल रहे काम को रुकाया जाएगा और लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। అసలు ఏంది ఏం దౌర్జన్యం ఇది? మా ఊరి మీద మీదేం దౌర్జన్యం? అంటే ఎవరు అడిగటం లేరా? పేదోళ్ళకు పేదోళ్ళ గురించి ఎవరు పట్టించుకుంటారు? వారు కానీ మా మున్సిపల్ కమిషనర్ కానీ మా చైర్మన్ ప్రతి ఒక్కరిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా సార్, ఇదంతా గరీబ్ వాళ్ళు, ఇంకో మొత్తం ఇక్కడ ఈ డొనేట్లన్నీ గులగొట్టి దౌర్జన్యం సార్. ఇదంతా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్, మొత్తం విలేజ్ మ్యాప్తో సహా ఉంది. దయచేసి రేపటి నుండి ఇక్కడ పని నడవద్దు. ఈ బండ్లు ఎట్లున్నాయి? అట్లా సీజ్ కావాలి. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे गुड़मल यादगिरी साहब वार्ड नंबर 16 काउंसलर सर्वे नंबर 62 जो गवर्नमेंट लैंड है उस पर इलीगल लेआउट बनाकर वहाँ पर प्लाटिंग की जा रही, जो ज़मीन STSC माइनॉरिटीज़ की है, दलितों के लिए पट्टा उनके लिए इशू किया गया था, वहाँ पर कोई लैंड ग्रैबर इलीगल वहाँ पर लेआउट बना रहा है, लेआउट बना के वो ज़मीन को बेच रहा है। तो इसके ऊपर ये बल्दिया में मुझे आकर हमारे गुड़मल यादगिरी और माइनॉरिटीज़ के MRPS के लोग माइनॉरिटीज़ के लोग आगे कंप्लेंट दिए हैं, MRPS के लोग आगे मुझे कंप्लेंट दिए हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर ये प्लाटिंग है तो पहले सीज करेंगे, सीज करके इनको रुका जाएगा, जो भी लीगल एक्शन है इनके खिलाफ किया जाएगा। थैंक यू।